हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक मिशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले चैप्टर यानी 16 चैप्टर की, जो कि है एयरक्राफ्ट वेट एंड बैलेंस। इस वीडियो में स्पेशली हम देखने वाले हैं कि एयरक्राफ्ट का वेट और बैलेंस क्या होता है, इनको एक साथ क्यों पढ़ा जाता है, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वेट और बैलेंस में यूज होने वाले जो टर्म्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत से बार डीजीसी के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर एक बार विजिट करके देखिए, बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस हैं जिनसे आपको बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एयरक्राफ्ट का वेट और एयरक्राफ्ट का बैलेंस, इसमें क्या डिफरेंस है। तो एयरक्राफ्ट का वेट एक्चुअल में उसका वजन होता है, वजन इन द सेंस कि वो कितना भारी है। ठीक है, यानी एयरक्राफ्ट जो एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर अर्थ अपनी कितनी ग्रेविटी लगा रही है, उसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट का वेट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 10 किलो के होंगे, छोटा बच्चा 10 किलो का होता है, 20 किलो कोई, 50 किलो। ठीक है, तो ये उसका वजन है, उसको वो कितना ज्यादा भारी है। बैलेंस का मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट या फिर आदमी या जो कोई भी चीज की आप बैलेंस की बात कर रहे हैं, बैलेंस का मतलब होता है कि उसको सस्टेन करने के लिए किसी एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत ना पड़े। जैसे अगर आप खुद खड़े हो जा रहे हैं, खुद बैठ जा रहे हैं, तो क्या आदमी बोलता है ना, वो हेल्दी इंसान है, यानी वो खुद से खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है। लेकिन अगर आप बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, अगर आदमी आपको पकड़ के खड़ा करा रहा है, पकड़ के बैठा रहा है, तो आप बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेट और बैलेंस। बात आती है इनको साथ में क्यों पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो बैलेंसिंग होगी वो ऑब्वियसली वेट के आधार पर की जाएगी। जैसे अगर आप बचपन में छोटी सी चेयर खरीद के लाए होंगे, जब आप 10 या 12 किलो के होंगे और उस पर बैठते होंगे, अगर आज आपका जो वेट है वो 65-70 केजीज है और उसी चेयर पर बैठेंगे, तो वो चेयर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसी तरह से एयरक्राफ्ट जो है उसको रनवे यूज करना होता है, एयरक्राफ्ट में बहुत सारे ऐसे क्या नाम, सीटिंग कैपेसिटी हो गई और उसके इंजन पावर की डिपेंडेंसी हो गई। इसके अलावा एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करके गया और मान लो कि आपने उसकी बैलेंसिंग नहीं की है, यानी आप उसका वेट नहीं जानते हैं और आप उसका बैलेंस ऐसे ही अपनी मर्जी से कर दिए हैं कि भाई इतना जो है ऐसा होगा या वैसा होगा, जैसा भी करना होगा आपने कर दिया, लेकिन जब वो हवा में गया तो उसका बैलेंस बराबर नहीं था और वो सीधा ही नहीं हो पाया। ठीक है, वो ऐसे ही रहेगा, तो ऐसे तो आप अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे कुछ देर के बाद। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एयरक्राफ्ट जो है कंट्रोल्ड वे में काम करे। ठीक है, यानी अब जब चाहो तो आप वो लेवल में आ जाए, आप जब चाहो तो वो टेक ऑफ कर जाए, जब चाहो तो डिसेंट कर जाए। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एयरक्राफ्ट का वेट और बैलेंस एक साथ पढ़ा जाए। ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये बिल्कुल कंपलसरी है कि एयरक्राफ्ट की वेइंग और बैलेंसिंग की जाए, क्योंकि इसके बिना आपको टाइप सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका एयरक्राफ्ट कभी भी किसी भी हालत में मार्केट में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बहुत सारा सवाल लोग पूछते हैं कि क्या ये जरूरी है कि हर एक एयरक्राफ्ट को जो मैन्युफैक्चरर बनाता है उसको वेट किया जाए, तो ये पूरी तरह से मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो हर एक एयरक्राफ्ट को वेट कर सकता है, लेकिन ये कंपलसरी है कि उसके यहां से प्रोड्यूस होने वाले जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनमें से 10-20% एयरक्राफ्ट को वेट किया जाए। ठीक है, अब देखो टाइम टू टाइम वेइंग की भी जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं, जैसे मान लो आपने एयरक्राफ्ट लिया, वो नया नया एयरक्राफ्ट था, उसमें मैन्युफैक्चरर ने सारा सामान फिट करके दिया था, लेकिन टाइम टू टाइम आप क्या करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर आप क्लीनिंग नहीं कर सकते, है ना, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जगह होते हैं जहां पर क्लीन नहीं हो पाती, तो वहां पर डर्ट हो गया, डस्ट हो गया, ये सारी चीजें बैठती जाती हैं और नए कंपोनेंट इंस्टॉल हो गए और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एयरक्राफ्ट जो है कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे भारी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने दोबारा उसको पेंट करवाया, तो कुछ पेंट ऐसे होते हैं जो नहीं निकल पाते हैं, तो ये सारी कंडीशंस की वजह से जो एयरक्राफ्ट है वो भारी होता जाता है, तो उसका वेट बढ़ गया। अब उसका वेट बढ़ा तो उसके बैलेंसिंग में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसलिए हमें इन दोनों को एक साथ पढ़ना जरूरी होता है। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है एयरक्राफ्ट के वेइंग और बैलेंसिंग में, लेकिन ये बहुत ध्यान रखना कि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए। ठीक है, जैसे पहला टर्म है डेटम। डेटम का मतलब होता है कोई ऐसा पॉइंट जहां से आप कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है नाप सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे मान लो मेरे पास ये टॉर्च है। ठीक है, अब इस टॉर्च में मुझे अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होता है, इधर या फिर उधर, तो कोई भी ऐसा पॉइंट हमने इस पूरे टॉर्च पर इमेजिन किया है, मान लो ये वाला पॉइंट, जहां से हम इसके आगे या फिर पीछे जो डिस्टेंस है उसको मेजर करेंगे और इस वाले पॉइंट को हम जीरो मानेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोला जाता है डेटम। डेटम जो है वो आपने मान लिया, अब इस डेटम से आप इधर या उधर कोई डिस्टेंस नापेंगे, उसको आप इंचेस में नापेंगे। तो मान लीजिए आपने इधर नापा, यानी एयर जो डेटम है उसके पीछे, तो ये जो डिस्टेंस होती है या आगे जो भी नापा आपने, वो डिस्टेंस बोली जाती है आर्म।
यानी डेटम से लेके कोई भी डिस्टेंस जो आप नापा है उसको आर्म बोलते हैं। और ये स्पेसिफाई करने के लिए कि भाई आपने पीछे नापा है डेटम के या डेटम के आगे नापा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आपने डेटम के आगे का कोई डिस्टेंस नापा है तो हम उसको निगेटिव में शो करते हैं, और डेटम के पीछे के जितने भी आपके मेजरमेंट्स होते हैं, डिस्टेंसेज होते हैं, उनको हम हमेशा पॉजिटिव में नापते हैं। ठीक है, तो इससे अगर आपसे किसी ने कहा कि 60 इंचेस है ना प्लस 60 इंचेस, इसका मतलब आपने डेटम के पीछे की बात की, वहीं आपने किसी ने आपसे बोला कि माइनस 40 इंचेस, इसका मतलब डेटम के आगे की बात की जा रही है। ठीक है, फिर बात आता है मोमेंट। अब मोमेंट का मतलब होता है टॉर्क, एक तरह से आप बोलो कि जैसे कोई पार्ट है, ये पार्ट है तो ये कितना मोमेंट कर सकता है अपनी अपनी जगह से। ठीक है, इसको बोला जाता है मोमेंट। जैसे मैंने बताया एक टॉर्क वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जिस भी चीज का आप मोमेंट निकालना चाहते हैं उसके वेट से और वो डेटम से कितनी दूर है यानी उसके आर्म। ठीक है, तो आपने वेट निकाल लिया और आर्म, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप उसका मोमेंट निकाल सकते हैं। अब ये जो मोमेंट है ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा आपको। आप देखिए कि जो मोमेंट है वो वेट और आर्म का कॉम्बिनेशन है, यानी वेट और आर्म का मल्टीप्लिकेशन है। अब मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आता है, निगेटिव और निगेटिव को भी मल्टीप्लाई करें तो भी पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है या दूसरा पॉजिटिव और पहला निगेटिव है, इन कंडीशंस में हमेशा निगेटिव आता है। तो इसी तरह से अगर आपका वेट जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी अगर आपने वेट कोई ऐड किया है, और वेट निगेटिव कब होगा, जब आपने कोई वेट सब्ट्रैक्ट किया है। अब मान लीजिए एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट का डेटम है, आपने आगे से कोई वेट जो है वो निकाल दिया है, यानी वेट जो है वो निगेटिव है, और डेटम जो है यानी कहां से निकाला है, आगे से, तो आपके डेटम के आगे का हिस्सा क्या होता है, निगेटिव। आपने निकाला भी है यानी निगेटिव किया वेट को, और आपका आर्म कैसा है, आगे का है, यानी वो भी निगेटिव है, तो जो आपका मोमेंट है वो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपने पीछे से कोई वेट जो है वो रिमूव किया है, तो पीछे से वेट रिमूव किया है इसका मतलब क्या होता है कि वो निगेटिव है, यानी वेट जो है आपका निगेटिव है, और पीछे से रिमूव किया है डेटम के, यानी जो आपका आर्म है वो क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई निगेटिव क्या हो जाएगा, आपका जो मोमेंट है वो निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको बगल में फिगर दूंगा, आप देख सकते हैं कि जब आप वेट रिमूव करते हैं या वेट ऐड करते हैं आगे या पीछे से, तो मोमेंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर ऐसा माना जाता है कि आपके किसी भी बॉडी का जो मास है यानी जो वेट है वो पूरी तरह से कंसंट्रेटेड है। ठीक है, यानी आप एक तरह से कह सकते हैं एक ऐसा पॉइंट जहां पर एयरक्राफ्ट का एक ऐसा पॉइंट जहां पर नोज हैवी और टेल हैवी ये दोनों मोमेंट इक्वल हो, यानी एयरक्राफ्ट अगर ये है तो ना तो वो नोज हैवी हो ना ही टेल हैवी, वो बिल्कुल इक्वल हो, ठीक है, यानी बैलेंस्ड हो, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर आता है मैक्सिमम वेट। अब मैक्सिमम वेट कई तरीके से हो सकता है, जैसे मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, यानी वो मैक्सिमम वेट जो एयरक्राफ्ट लेकर के रनवे से टेक ऑफ कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम लैंडिंग वेट, वो मैक्सिमम वेट जिसको लेकर एयरक्राफ्ट किस पर रनवे पर आकर के लैंड कर सकता है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम लैंडिंग वेट। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम लैंडिंग वेट है वो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट से हमेशा कम होता है। क्यों होता है, कुछ टेक्निकल बातें हैं जिनको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा होता है मैक्सिमम रैंप वेट, तो यानी जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर होता है उसको रैंप बोला जाता है, तो जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर है तब कितना मैक्सिमम वेट वो ले सकता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम रैंप वेट। फिर होता है मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट, तो नाम से ही पता चल रहा है जीरो, यानी कोई भी यूजेबल फ्यूल जब एयरक्राफ्ट में ना हो उस मैक्सिमम वेट को बोला जाता है मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट। यानी जैसे एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर है, आपने पूरा उसको भर दिया है जितनी भी वेट हो सकता है, लेकिन उसमें किसी तरह का फ्यूल नहीं है, टैंक्स जो है पूरी तरह से खाली है, हालांकि कुछ रेसिडुअल फ्यूल होता है, रेसिडुअल फ्यूल उसको बोला जाता है जो आपके फ्यूल लाइंस होते हैं उसमें रह जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्प्टी वेट। एम्प्टी वेट का मतलब होता है एयरक्राफ्ट का सिर्फ अपना वेट, उसके अलावा कोई भी वेट ना हो। तो एयरक्राफ्ट का अपने वेट में क्या क्या चीजें आएंगी, भाई इंजन आएगा, पावर प्लांट आएगा, एयरक्राफ्ट के इक्विपमेंट्स आएंगे, एयरक्राफ्ट का जो एयर फ्रेम है वो आएगा, तो ये सारी चीजों का जो वेट होता है, यानी उसमें किसी तरह का फ्यूल नहीं होगा, मतलब रेसिड्यूअल फ्यूल तो ऑब्वियसली होगा, किसी तरह का फ्यूल नहीं होगा, ऑयल नहीं होगा, पैसेंजर्स नहीं होंगे, बैगेज नहीं होगा, पायलट नहीं होगा, क्रू नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे वेट अगर हम हटा दें यानी एयरक्राफ्ट का जो खुद का वेट होता है उसको बोलते हैं एम्प्टी वेट। फिर आता है एम्प्टी वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस एम्प्टी वेट का अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे उसको बोलेंगे एम्प्टी वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर होता है यूजफुल लोड। यूजफुल लोड का मतलब होता है एयरक्राफ्ट का जो भी मैक्सिमम वेट है उसमें से आपने एम्प्टी वेट को निकाल दिया।
ठीक है, तो एम्प्टी वेट क्या है, एयरक्राफ्ट है, उसके इक्विपमेंट्स है, उनको आपने हटा दिया किसमें से, मैक्सिमम वेट में से, यानी ये किन चीजों का वेट है, जैसे कि एयरक्राफ्ट के पैसेंजर्स का, कार्गो हो गया, आपके बैगेज हो गए, पायलट हो गया, क्रू हो गया, इन सब चीजों का जो वेट होता है, जिनसे आपको मनी मिलती है, पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं यूजफुल लोड। ठीक है, फिर होता है मिनिमम फ्यूल। मिनिमम फ्यूल एक्चुअल में कॉन्सेप्ट होता है, जैसे अगर आप एयरक्राफ्ट की वेइंग कर रहे हैं एडवर्स कंडीशन में, ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए एयरक्राफ्ट है उसको आपने नोज हैवी कंडीशन में क्या करना है, वेइंग करना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे वेइंग करेंगे तो कैसे, सही वेइंग नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए क्या करते हैं आप, कुछ फ्यूल, थोड़ा सा मिनिमम फ्यूल आप उसके टैंक में डालते हैं ताकि वो बैलेंस्ड रहे। ठीक है, कितना डालते हैं, टिपिकली ये जो फ्यूल होता है वो उतना अमाउंट ऑफ फ्यूल होता है जितना एयरक्राफ्ट जो है 30 मिनट क्रूज करने के लिए, यानी लेवल फ्लाइट में रहने के लिए 30 मिनट्स जितना फ्यूल रिक्वायर्ड होता है, लगभग लगभग हम उतने फ्यूल को इसमें रखते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, कैलकुलेशंस पर डिपेंड करता है। फिर आता है आपका टेयर वेट। टेयर वेट का मतलब होता है वो एक्स्ट्रा वेट जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आप सब्जी लेने गए होंगे या कभी किराने की दुकान पर गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर एक कटोरा टाइप का वो रखा होता है पहले से, उसमें आपका सामान डालता है। तो मान लो कटोरे की वेट 250 ग्राम है और आपने उससे 250 ग्राम कोई चीज मांग ली, तो क्या आपको कुछ नहीं मिलता, आपको तो पूरा 250 ग्राम मिलता है। उसका मतलब ये होता है, आपने देखा भी होगा जो डिजिटल वेइंग स्केल होती है उस पर आप कोई सामान रखो तो एक टेयर का ऑप्शन होता है, अगर आप टेयर दबा दोगे तो क्या होगा, वो जो वेट आपने उसके ऊपर रखा है वो जीरो हो जाएगा, उसके बाद जो आप वेट डालोगे सिर्फ उसका कैलकुलेशन होगा। तो इसका भी यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट के वेइंग में। कैसे, मान लो आपका जो एयरक्राफ्ट है वो ऐसा है जिसमें वो है क्या नाम है, टेल व्हील है। अब टेल व्हील अगर होगा तो एयरक्राफ्ट कैसे है, ऐसा सीधा थोड़ी होगा, वो ऐसे होगा, यानी वो उसका नोज जो ऊपर की तरफ उठा होगा। अब आप इस कंडीशन में उसे वेइंग कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पर जैक लगाओगे ताकि वो बैलेंस हो जाए। अब अगर यहाँ पर आपने जैक लगाया और उसको वेइंग करने लगे तो क्या होगा, इस जैक का वेट जो भी है वो इंक्लूड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस जैक वाले वेट को हम टेयर कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेयर वेट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो बची हुई जो थोड़ी कॉन्सेप्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसी तरह से बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल पर एक बार विजिट जरूर करिए। थैंक यू।